हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में शिबा कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की साथ यहाँ पर कुछ एनालिस्ट है जिनका प्रिडिक्शन देखने को मिल रहा है शिबा के प्राइस को लेकर और क्या यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो वन सेंट मतलब जीरो पॉइंट वन जीरो डॉलर तक जा सकता है इसको लेकर भी प्रिडिक्शन है कब तक ये पॉसिबल हो सकता है क्या इस साल में शिबा का प्राइस किस हाइएस्ट लेवल तक जा सकता है और नेक्स्ट ईयर जो ट्वेंटी होगा उसमें शिबा किस लेवल तक हिट कर सकता है कुछ अदर बड़ी अपडेट्स भी आ रही है लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर इन एनालिस्ट के प्रिडिक्शन की बात लेते हैं जिन्होंने यहां पर सीबा को लेकर प्रिडिक्ट किया हुआ है जेट जीपी की अगर हम बात करें ये यहाँ पर एनालिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं शिबा के प्राइस को और इनका ये मानना है शिबा जो है वो जीरो पॉइंट वन जीरो डॉलर को हिट कर सकता है कब ये पॉसिबल हो सकता है इन्होंने यहाँ पर कुछ जो इसके प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर अपडेट्स दिए है उस वजह से इनका ये मानना है कि यहाँ पर जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन जीरो का जो लेवल है उसको ये बहुत जल्द हिट कर सकता है अगर हम बात करें यहाँ पर जीरो पॉइंट वन जीरो मतलब वन सेंट की तो वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में यहाँ पर जेट जीपीडी ने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि ट्वेंटी

2024 को लेकर क्या प्रिडिक्ट किया गया है इनका यह मानना है कि 2024 में जिस प्रकार से बुल रन की उम्मीद की जा रही है कि आ सकता है आने वाले कुछ नेक्स्ट मंथ जो बाकी है उसमें हमें बुल रन देखने को मिल सकता है और इस बुल साइकिल में जो शिव कॉइन का प्राइस है वो जीरो पॉइंट डबल जीरो वन जीरो डॉलर तक भी जा सकता है मतलब अभी जिस लेवल पर बना हुआ है चार जीरो के साथ फोर के लेवल पर गया था फोर फाइव के लेवल पर गया था हाइएस्ट जो लास्ट मंथ में देखने को मिला था उसके बाद थ्री नाइन के लेवल पर गया था अभी थ्री जीरो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहां से चार जीरो है जिसमें से दो जीरो को ये आने वाले टाइम में किल कर सकता है मतलब जीरो का जो लेवल है उसको ये ट्वेंटी में हिट कर सकता है ऐसा

का जो ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पर क्या हुआ इसका जो प्राइस है उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल गई तो फिर से यहाँ पर शिब कॉइन को जो इथेरियम के फाउंडर है उनके द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया है किसी अदर प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर कंपैरिजन किया गया था जिसमें उन्होंने शिबा का एग्जांपल दिया हुआ है इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जो यहाँ पर बी टी के लिए जो ट्रेडेड नोट्स है उसे यहाँ पर लॉन्च करने वाला है बी टी सी एन इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे लंदन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसे यहाँ पर लॉन्च किया जाने वाला है साउथ अमेरिकन के जो गोल्ड माइनर कंपनी है नीलम रिसोर्सेज वो यहाँ पर बाय करने की कोशिश में है मतलब यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी देर पर अमाउंट देखें तो ये देखे, तो हो रहा है, और यह काफी बड़ा है जो यहां पर इनके द्वारा बाय किया जा सकता है नीलम रिसोर्सेज फाइल्स लेटेस्ट ऑफ इंटेंट टू एक्वायर ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड यहां पर इन्होंने इंटेंट दिखा हुआ है कि ये यहां पर बाइंग कर सकते हैं अभी बाइंग नहीं की गई इसके अलावा अगर आप देखें यूएस के

लेवल पर बना हुआ है लास्ट ट्वेंटी फोर में अगर आप देखें लगभग यहां पर दो परसेंट के आसपास डंप जरूर देखने को मिला है लेकिन प्राइस यहां पर टू सेवन टू एट पर था यहां से प्राइस में पंप आया वॉल्यूम यहाँ पर बड़ा हुआ है लगभग 2.1 बिलियन डॉलर और 42 परसेंट वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है अगर हम प्राइस की बात करें मार्केट केप देखिए प्राइस बड़ा है लगभग 2.44 परसेंट तो यहाँ पर मार्केट केप लगभग 18 बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर इस लेवल को ये अभी यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है ऐसा ही सपोर्ट यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में भी बनाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है थ्री का लेवल और कोई भी अपडेट के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाए शायद टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें थैंक यू